जय बद्री विशाल दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज के ब्लॉग के स्वागत करती हूँ मैं देवभूमि उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल अपने गांव से, और मेरा नाम है रंजना राणा। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। और अभी सुबह के बज गए 7, और मस्त भी क्या है, हम तो ठीक ही है। बाकी आप लोग सोच रहे होंगे मैं ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हूँ, तो ब्लॉग ना डालने का कारण जो पास के लोग हैं ब्लॉग देखते होंगे उनको तो पता ही है, लेकिन जो दूर के लोग होंगे जो यहाँ से बाहर कोई देखते होंगे हमारे ब्लॉग तो उनको नहीं पता होगा। तो मैं ब्लॉग इसीलिए नहीं डाल पा रही हूँ आजकल, क्योंकि आप लोगों ने मेरे साथ मतलब जो उनको देखा ही होगा, पहले बहुत पहले देखे होंगे ब्लॉग में, दीपू को देखा होगा जो कि हमारे साथ का ही था, हमारे साथ रहता था। हम बहुत इंजॉय करते थे, पार्टी करते थे, काजल में, मनीषा, दीपू, अनिल, नवीन, हम सबके सब मिलजुल के रहते थे साथ में। अचानक से वो आज हमारे बीच नहीं रहा, तो उसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा ब्लॉग डालने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। आज हो गए 6-7 दिन और दादी और चाची तो ऋषिकेश चले गए। दादी तो वहीं के लिए जा रही, मतलब रहने के लिए मतलब 1-2 दिन के लिए जा रखे। दादी और चाची अभी सुबह गई और शाम तक चाची ऋषिकेश से वापस आने वाले, उन्हीं के यहाँ गई, दीपोर के यहाँ। तो दादी पे भी पता नहीं क्या बीत रही होगी, जिन्होंने अपना जवान बेटा खोया जो कि हमारे साथ का था, बच्चा ही था अभी यार, छोटा ही था, हमारे साथ का ही था। और दोस्तों दीपू के साथ में एक और था, वो भी हमारे बीच नहीं रहा, मतलब उसकी मम्मी रिश्ते में मेरी बुआ लगती है और वो मेरा भाई लगता है, तो वो भी नहीं रहा। पता नहीं क्या हुआ, भगवान ने ऐसा मतलब क्यों हुआ, क्या हुआ कुछ नहीं पता हमें, लेकिन बहुत बुरा हुआ, दोनों के दोनों नहीं रहे यार, क्या ही बोलूँ मैं, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत मतलब अजीब सा ही फील हो रहा है। जो कि वो था ना हमारा भाई था, वो भी मतलब घर आने वाला था 2-4 दिनों में, अपनी मम्मी को सरप्राइज दे रहा था, कि फिर सोच सकते हो आप लोग क्या बीत रही होगी उस माँ पे जिन्होंने कि अपना जवान बेटा खोया। हमें ये सोच के ऐसा हो रहा है, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, हकदक हो गया था हम तो, उन पर क्या बीत रही होगी कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं, तो उन पे भी क्या ही बीत रही होगी, दादाजी पे, दादी पे और नवीन पे, वो तो ऊपर वाला ही जानता है यार कि उन पे क्या बीत रही है। बाकी मेरा बिल्कुल ब्लॉग डालने का मन नहीं था, जो मैंने बस एक ही ब्लॉग डाला था जब डोली यहाँ से निकली थी, वो भी मैंने उसी दिन डाला था सुबह, दूसरे दिन उसके दूसरे दिन सुबह, तीसरे दिन हम वापस आ रहे थे, उस दिन मैंने पता सुबह ब्लॉग नहीं डाला। मेरा मन बहुत अजीब सा हो रहा था, पहले से ही मन नहीं कर रहा था मेरा ब्लॉग डालने का उससे, फिर जैसे हम आधे रास्ते में वापस घर आ रहे थे अचानक से पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ। उसके बाद ब्लॉग तो बन रखा उस दिन का, लास्ट का मतलब कि वहाँ आधे रास्ते का, उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया आज तक। आज 3-4 दिन हो गए हैं, तो आज अभी तक मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया फ़ोन पे, ना ही मैंने ब्लॉग एडिट किया, ना ही मैंने ब्लॉग देखे, ना ही कुछ, क्योंकि कुछ भी मन नहीं कर रहा देखने का, करने का, बहुत अजीब फील हो रहा है। जिसके साथ हम बचपन से रहे हैं, जिसके साथ हमने बहुत इंजॉय किया है, वो आज हमारे बीच नहीं रहा, तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा। हमारे साथ का था वो, हमारे साथ का मतलब जिसके मतलब बचपन से लेके अभी तक हम साथ में रहे, तो बहुत बेकार लगा, बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, बिल्कुल भी अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है ये सब चीज़, तो इसीलिए मेरा बिल्कुल ब्लॉग बनाने का मन नहीं है अभी फ़िलहाल। बाकी मैंने बद्रीनाथ के बहुत सारे ब्लॉग बना रखे, वो मैं 3-4 दिन में डालूँगी, अभी नहीं डालूँगी। और मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया, कैसे बनाती यार ब्लॉग, इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना बड़ा, बिल्कुल भी मेरा ब्लॉग बनाने का ना मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी, ऐसे पता नहीं कैसे हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा यार कि कुछ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कुछ यकीन नहीं हो रहा है। मैंने तो उस टाइम भी बिल्कुल यकीन नहीं करा यार कि मैंने, जैसे मतलब हमें पता चला ना, हमें वही सब चीज़ें याद आई यार कि हम कैसे साथ में रहते थे, कैसे कैसे करके मतलब बहुत इंजॉय कर रहे थे यार हम, जैसे हमें वो पता चला, हम थक थक रह गए, हम मतलब कि कुछ मतलब मन ही नहीं हुआ उस टाइम, ये था यार कब घर जाएंगे यार, कि ऐसे वैसे
बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा बहुत। बाकी दादी और चाची जा रखे ऋषिकेश, चाची आज ही आने वाले शाम को, और सबके सब ऐसे ऐसे परेशान है, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। और आज पूरे घर की जिम्मेदारी मनीषा मेरे पास ही है, क्योंकि घर में भी किसी न किसी को रहना है। घर में भैंस है, फिर थोड़ी है छोटी सी, तो इसीलिए घर में भी किसी की ना किसी को रहना पड़ रहा था। तो यही कारण है मनीषा और मैं घर में है। बाकी हम दोनों के दोनों आज पूरा घर का काम करेंगे, घास फूस लेके आएंगे, भैंस को घास देंगे, पानी देंगे, भैंस को नहलाने के लिए लेके जाएंगे, गोबर गोबर उठाएंगे और वही सब चीज, खाना खुना बनाएंगे, बस यही सब। मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, इसलिए ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी भगवान से बस यही इच्छा है कि मेरे चाचा जी को, मतलब टिप्पू की आत्मा को शांति देना। रिश्ते में मेरे चाचा लगता था, लेकिन चाचा से बढ़ के वो हमारे लिए दोस्त था, क्या ही बोले यार। तो बस यही वो है कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, बस और कुछ नहीं बोल सकते हैं। कुछ क्या बोलूँ, मुझे खुद नहीं पता, कुछ समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। बनाने ब्लॉग बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं था, ब्लॉग थे भी मेरे फ़ोन पे लेकिन मैंने नहीं डाले, क्योंकि बिल्कुल भी मतलब वो ही नहीं हो रहा था कि मैं ब्लॉग कैसे डालूँ, बिल्कुल भी नहीं, मैंने वो ब्लॉग देखे तक नहीं, मन ही नहीं कर रहा था। तो बस यही रीज़न है कि जिस वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। बाकी मैं जब ब्लॉग डालूंगी तब आप लोग ज़रूर देखना, अभी फ़िलहाल मैं 2-3 दिन तक नहीं डालूँ क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, फिर तब तक के लिए बाय।